प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम प्रभु यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है उसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं, सो मिनिस्ट्री के आरंभ से जो है बहुत सारी चीजें तैयारी हुई। और प्रभु का जन्म, इसके पहले हमने देखा था कि यूहन्ना का जन्म, और यूहन्ना के लिए जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के उसके पिता ने कहा, वैसे ही मरियम भी जो है वो गर्भवती रही शादी के पहले। संसारिक निगाहों से देखें तो ये पाप है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमारी आत्मिक आंखों का, आत्मिक कानों का, आत्मिक हृदय का खुलना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को निहार सकें, ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को समझने पाए। सो मरियम जो है वो प्रेग्नेंट रही, लेकिन विवाह नहीं हुआ था, जिसका वर्णन जो है लुका रचित सुसमाचार में भी है, मत्ती रचित सुसमाचार में भी है। और मैं आपके लिए जो है मत्ती रचित सुसमाचार में से उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से जो है आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। तो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 आयत से। पर यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोचे में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। देखिए, दोनों संसारिक रीति से ये बात मरियम को मालूम थी, ये बात यूसुफ को मालूम थी कि जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। संसार क्या देख रहा था? संसार देख रहा था कि हाँ मरियम गर्भवती है, और संसार सोच रहा था ये गर्भ किसके कारण है? यूसुफ के कारण। लेकिन यूसुफ जानता था कि ये गर्भ स्वर्गदूत ने जो कहा था पवित्र आत्मा के कारण था। ये बात कौन जानता था? ये बात मरियम भी जानती थी कि जो मेरे गर्भ में है वो स्वर्गदूत ने जो कहा था उसके कारण है। और देखें, दोनों की पवित्रता देखें, दोनों ने आपस में संबंध तब तक नहीं बनाए जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। ये धार्मिकता है। प्रभु ने चुनाव इसलिए करा कि वे पवित्र और धर्मी है, न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक, वरन उसके लिए जो कष्ट से भागा दौड़ी करी वे सब इस परिवार में थी। सो आए हम, जैसा मैंने कहा कि आत्मिक दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा, यदि वो अभी तक हमारी नहीं खुली है, परमेश्वर से दुआ करें कि हमारी आत्मिक आंखें खोलें कि हम परमेश्वर को निहार सकें, हमारे आत्मिक कान खोलें कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय खोलें कि हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें। सो आए मेरे साथ डिटेल में। सो
जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की आत्मा से समझे, क्योंकि यही वचन शैतान भी उपयोग में लाता है। और कई जो शैतानी और संसारिक आंखें हैं वो इसको व्यभिचार की तरह से देखती हैं, लेकिन आत्मिक आंखें इसे परमेश्वर की योजना से देखती हैं। और देखें, मरियम जो है ये बात जिब्राइल ने उस पर प्रकट करी थी कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, और उसी समय से वो गर्भवती तो हुई। संसारिक रीति से यूं कहें कि उसका कुंवारापन नहीं गया। मेडिको लीगल तरीके से देखें कि गर्भाधारण तो किया, लेकिन जो है कुंवारीपन के जो लक्षण जो होते हैं जेनाइटल्स में, वो वैसे के वैसे थे। ये बात मरियम को मालूम थी और ये बात यूसुफ को भी मालूम पड़ी। यूसुफ उसको छोड़ देने पे था, वो समझता था कि मरियम के संबंध दूसरे पुरुष से हैं, कैसे ये गर्भवती हो गई। कानून ये था कि मरियम को पथरवा करके मार डाला जाए, और यूसुफ नहीं चाहता था कि मरियम को मार डाला जाए, वो उसको छोड़ने की फिराक में था। तब जो है स्वर्गदूत आकर के उसने यूसुफ से बात की और यूसुफ उसके बाद तैयार हो गया इस बात को ग्रहण करने के लिए। और जब यूसुफ तैयार हुआ, जब स्वर्गदूत ने यह बात उस पर प्रकट करी, तो उसने अपने आप को धन्य माना, और जब वो लौट करके आई थी मरियम इलीशिबा के पास से, तब 3 महीने तो वो वहां रही थी, 4th महीना उसका लग चुका था, लेकिन वर्जिनिटी के जो साइन होते हैं मेडिकली, वो उसमें प्रेजेंट है, और जो है गर्भाधारण भी हुआ। सो यूसुफ को लगा कि मेरी के संबंध किसी अन्य पुरुष से, वहां से वो गर्भवती हुई। नहीं दोस्तों, पवित्र आत्मा ने उसको तैयार करा, और जो गर्भाधारण था, फर्टिलाइज वूम था, वो एक प्रकार से इम्प्लांट किया गया, और जो है मरियम उससे गर्भवती हुई। तेरी इच्छा के अनुसार मेरे साथ हो, ऐसा उसने कहा, और जो है एक लोकल कारपेंटर था यूसुफ, उसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, और वो जो है जैसा यूसुफ भी जानता था, मरियम भी जानती थी कि यदि मेरी प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड के बगैर हुई तो लोग मुझे पथरवा करके मार डालेंगे, जैसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी जानती थी। उसने यहुन्ना के जन्म तक वो वहां रही थी, और एलीशिबा के जीवन में भी उसने परमेश्वर का काम दिखा था, और जो है यूसुफ जो है जब उससे मिला तो वो ऑलरेडी 4th महीने में प्रेग्नेंट थी, और वो अपनी बातें यूसुफ को बताती, यूसुफ उसको छोड़ देने के फिराक में था। वो नहीं चाहता था कि इसको लीगल तरीके से पथरवा करके मार डाला जाए, इसलिए उसने छोड़ देने की जो मनसा करी, उसकी निगाह में मरियम एक जो है अच्छी महिला तो थी, लेकिन वो गर्भवती कहां से हुई ये उसके समझ में नहीं आया। और लेकिन जब
स्वर्गदूत प्रकट हुआ, स्वर्गदूत प्रकट हुआ, तब जाकर के वो रहस्य जो है यूसुफ को मालूम पड़ा कि जो गर्भधारण है वो किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से, और उसे अपने पत्नी कहलाने से मत डर, मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये बात स्वर्गदूत ने यूसुफ को कही है। और यूसुफ जब उठा सुबह, सो वो अपने आप को जो है धन्य मानने लगा, उसको कंफ्यूजन नहीं हुआ, वो डबल राह पे नहीं चला, और जो बात रात में स्वर्गदूत ने कही वो जाकर के सुबह उसने करी कि मरियम को अपने घर ले आया। और जब वो घर ले आया तो लोगों की निगाह में मरियम का गर्भवती होना ऐसा लगा कि यूसुफ की ओर से, लेकिन यूसुफ ये जानते थे कि मरियम किसकी ओर से गर्भवती है, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। और मरियम भी ये बात जानती थी, मरियम भी ये बात जानती थी, सिर्फ ये दोनों जानते थे, ये दोनों जानते थे कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो परमेश्वर का बेटा और सारे लोगों को उनके पापों से छुटकारा देने वाला होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना। अब देखिए धार्मिकता का दूसरा जो लेवल है वो ये कि दोनों ने अपने संबंध, शारीरिक संबंध, मैरिज के पहले, इस बच्चे के जन्म होने के पहले नहीं बनाए, नहीं बना। ये यूसुफ की भी बड़ाई, ये मरियम की भी बड़ाई कि वो परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पालन करते, और जो है न सिर्फ इसके द्वारा वे धन्य कहलाए, लेकिन इस बालक के कारण बहुत सारे कष्टों का सामना भी करा। इन पर जब स्वर्गदूतों ने प्रकट करा, गरड़ियों ने प्रकट करा, इन पर जब वो हन्ना ने प्रकट करा, इन पर जो विधवा ने प्रकट करा, इन पर जो गरड़िये आए और वो सारी बातें बताई, ज्योतिषी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने जो भेंट दी, वहां लिखा है ये सब बातें मरियम अपने मन में रखी रही, ये बातें सब मरियम अपने मन में रखी रही, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक वो उसके साथ बनी रही, उसके पुनरुत्थान के बाद में भी, उसके स्वर्ग उठाए जाने के बाद भी मरियम जो है वो चेलों के साथ में भी पाई गई, उस ऊपर उठी कोठरी में, मंदिर में, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम के पहले और दूसरे अध्याय में ही आ गया है। और यदि मरियम की उम्र आप जो साधारण उम्र थी वो 20 से 22 23 साल की, मान लीजिए 23 साल की उम्र में प्रभु उसके जीवन में आए, तो प्रभु जो है 33 साल तक, 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहे, सो 23 से 23 साल की उम्र से 33 उसमें और जोड़ दें तो करीब 23 और 3 26 36 46 और 56 जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो रही थी, मरियम की उम्र करीब 55 से 50 के बीच में, 55 से 50 के बीच में, और वो इस दौरान जो है वो प्रभु की सेवाओं को जानती रही, जानती रही, और स्वर्गारोहण के बाद वो चेलों के साथ में जो है एकता लिए हुए पाई गई। सो इतनी महत्वपूर्ण महिला,
जिसे परमेश्वर ने उचित स्थान दिया और स्वर्गदूत ने आकर के यूसुफ को रात में स्वप्न में ये बताया था, तू स्त्री को मत छोड़ जो गर्भवती है, क्योंकि वो गर्भवती परमेश्वर की ओर से है और वो एक बालक जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना जो सब लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। और दूसरे दिन ही वो उठा मरियम को ले आया। दुनिया की निगाहों में मरियम का गर्भ यूसुफ के कारण, लेकिन ये यूसुफ भी जानता था और मरियम भी जानती थी जो गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो यूसुफ कहलाएगा, वो यूसुफ कहलाएगा। और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, मत डर, मत डर, सर्वशक्तिमान की छाया तुझ पर, शक्ति की छाया तुझ पर करेगी, और देख तेरी कुटुंबनी एलिसी भाभी गर्भवती, ये उसका छठा महीना है, ये परमेश्वर की ओर से, जो उसे इस उम्र में भी कहते थे ये गर्भ धारण नहीं कर सकती, ये गर्भवती नहीं हो सकती, देख परमेश्वर ने ऐसी दया करी। वो यूहन्ना के विषय में जान गई, वो यूहन्ना के विषय में जान गई, और जब प्रभु यीशु मसीह सेवा के लिए आए तो यूहन्ना उनके आगे आगे थे, ये बात जो है वो जानती है, ये बात वो जानती है। और यूसुफ जो कारीगर था, बड़ा ही था, उसने भी अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति बताई। स्वर्गदूत ने मरियम से तो कहा ही, लेकिन यूसुफ भी इस बात को जान पाया और वो उसे अपने घर लाने में जो है हिचकिचाया नहीं। इसके पहले तो वो छोड़ना चाह रहा था, लेकिन समय के हिसाब से उसने कदम उठाया और लेकर के आया। और 9 महीने में, 9 महीने की गर्भवती स्त्री को जो है उस बैतलहम में लाया। ऐसा बोलते हैं नाजरत के जो है मरियम थी, नाजरत से जो है बैतलहम करीब 5-6 दिन का रास्ता है, 5-6 दिन का रास्ता, और वो 6 दिन में इस जगह बैतलहम पहुंचे और जो है फिर से वहां से भागे, मिस्र भागे। ऐसा बोलते हैं फिर करीब उनको 12-15 दिन लगे मिस्र में भागने के लिए, और फिर जब तक हेरोदेस नहीं मरा वो वहीं रहे, फिर वहां से गलील आए और प्रभु जो है वापिस नाजरत में आए और नाजरत में पले बड़े। ये वो जगह थी, ये वो ट्रेवलिंग सेंस था। ये बात यूसुफ जानते थे, ये बात मरियम जानती थी, और वो मिनिस्ट्री करेंगे कैसी होगी, क्या होगी, उनको ये मालूम था कि ये बालक उद्धार करेगा। सो प्रभु के इस भव्य योजना के लिए हम हृदय से उनका धन्यवाद देते हैं। आए दुआ में अपने सरों को झुका, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी भव्य योजनाओं को पूरा करने में, जो है मरियम और यूसुफ ने जो योगदान दिया प्रभु, आपने उन्हें आशीषों से भर दिया। स्वर्गदूतों ने जो है संदेश दिए, पृथ्वी के लोगों ने उसे पूरा किया, योजनाएं आपकी थी। धन्यवाद देते हैं प्रभु ऐसे जीवनों के लिए, और प्रभु हम चाहते हैं कि हम भी आपकी सेवा में उपयोग में आ सके, क्योंकि जीवन भर प्रभु आपकी आराधना करना हमारा उद्देश्य है, आपके समीप पाए जाएं प्रभु, और जब न्याय हो तो आप कह सकें कि हे मेरे पुत्र, मेरे पुत्री है, तू थोड़े में पृथ्वी के जीवन में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे स्वर्गीय जीवन में बहुत अधिकार दूंगा, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और I am the Lord, there is no other God. I have
prepared you, even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.